नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले आइए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने गोरखपुर पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कहा जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 100% मतदान के लिए आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता अभियान, डीएम ने दिलाई शपथ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा मतदान सभी का है अधिकार। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। कुलपति के हस्तक्षेप के बाद थमा छात्र और चीफ प्रॉक्टर के बीच विवाद का मामला। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राम भुवाल और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने की प्रेस वार्ता। संजय ने कहा मां और बेटे के आमने सामने चुनाव लड़ना पार्टी की है गोपनीय रणनीति। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में 24 फरवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा शुभारंभ। अब ऑनलाइन होंगे छात्र छात्राओं के अंक पत्र और डिग्रियां। गोरखपुर विश्वविद्यालय और CDLS वेंचर्स लिमिटेड के बीच हुई समझौता, सहमति पत्र पर किया गया हस्ताक्षर। मारवाड़ बिजनेस कॉलेज द्वारा व्यक्तित्व विकास विषयक 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्काउट एवं गाइडों के चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया भारत स्काउट और गाइड के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल का जन्मदिन। चेतना तिराहे पर हुई वाहनों की सघन चेकिंग, कई के काटे गए चालान। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित प्रसिद्ध नारायण स्मृति व्याख्यान का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने आधुनिक भारतीय दार्शनिक विमर्श, अध्यात्म एवं स्वतंत्रता की अवधारणा विषय पर किया मंथन। OBC आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने किया सपा का समर्थन। होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए महानगर शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक DM की अध्यक्षता में 24 को। गोरखपुर बना 67वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप का चैंपियन। और गोरखपुर जिला क्रिकेट लीग में बस्ती की 7 विकेटों से धमाकेदार जीत। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन स्तर पर तैयारियां की गई हैं। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गोरखपुर पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी L. वेंकटेश्वर लू ने सर्किट हाउस सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मतदाता निश्चिंत होकर पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। शासन की तरफ से पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि NBW और क्रिमिनल एक्टिविटी के लोगों पर कार्रवाई होगी, शराब और पैसे पर नजर रखी जा रही है। निष्पक्ष चुनाव के लिए उपकरण की पूरी व्यवस्था है, EVM के साथ VVPAT की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि EVM के छेड़छाड़ संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की 4 चरणों में चेकिंग होती है। EVM में छेड़छाड़ का आरोप लगाना उस व्यक्ति की अज्ञानता है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में चुनाव सही तरह से लोगों से सही से वोट करें। DM और SSP अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर नजर रखेंगे। धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया अभी कहां हमारे प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय साहब ने जो कहा है, हम लोगों ने आज तीनों ऑब्जर्वर्स भी थे, 2 जनरल ऑब्जर्वर भी थे और एक जो पुलिस ऑब्जर्वर भी थे और सारे तो जितने जो नोडल ऑफिसर्स थे विभिन्न एक्टिविटीज का और सभी SDM और ये साथ एक बैठक की है और SP इंडस्ट्री के साथ तो दोनों बैठक में थे। हम लोगों ने इसकी पूरी क्या उसमें तैयारी है, क्या माहौल है, कैसे जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के बारे में हो और लोगों को जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी कार्यक्रमों के लिए परमिशन देनी है उसके जो क्या व्यवस्था है उसका, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लोगों को एहसास हो कि भाई कोई व्यक्ति किसी भी अल्टीमेट
क्या है, हर वोटर ये महसूस कर सके भाई वो व्यक्ति निश्चिंत होके पोलिंग बूथ पे जाके अपनी इच्छित व्यक्ति को वोट डाल सकता है। कोई ना कोई प्रेशर है, ना कोई थ्रेट है, ना कोई उनको ना प्रोहिबिशन इस तरह का। और बाकी जो सिस्टम्स के बारे में जो एक्टिविटीज होना है, NBW सर्व कराना है, पार्टी क्रिमिनल्स के साथ साथ कार्रवाई होना, ताकि एहसास हो सके यहाँ पे निर्भीक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। और जो इलीगल एक्टिविटीज जैसे जो पैसे की मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, शराब वाली की बात हो, उन सब पर तो सख्त कार्रवाई होनी है। जहाँ भी कोई इस तरह की कोई जानकारी हो, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का हो या शराब बांटने का हो या कोई और कोई अनैतिक गतिविधि हो रही है, तो जैसे SDM हो, CO इनकी किसी की भी जानकारी आने पर लोग पहुँचे और समझ लोगों को सहयोग लेना है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है और लोगों का। तो ये आपसी कोऑर्डिनेशन के बारे में बात है कि भाई जब सबके मनसा क्लियर है, हम लोग एक फेयर इलेक्शन कराना है, तो निष्पक्ष शांतिपूर्ण और स्वतंत्र निष्पक्ष शांतिपूर्ण जो बेसिक मोटो है भारत निर्वाचन आयोग का, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग सारा सिस्टम है इसका। तो क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस हमारे इतने वर्ष के डेमोक्रेसी में नया नहीं है, हालांकि बीच बीच में नए नए गाइडलाइंस और टेक्नोलॉजी और नई परिस्थितियों के आधार पर कुछ कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन हम लोग वेरी मेच्योर डेमोक्रेसी और सभी लोग जानते हैं, हमारा ऑफिसर्स भी जानते हैं। तो ट्रेनिंग के बारे में भी काफ़ी हम लोगों ने चर्चा भी किया है कि अल्टीमेटली इलेक्शन अच्छे कैसे होगा। तो जिसको जो करना है और उसको जाने और उसको करने के लिए अपनी सक्षमता हासिल करें, और दूसरा वो कराने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो मैकेनिज्म चाहिए, वो प्रोवाइड करें। तीनों चीज़ें कर्म करता और कर्म, तीन चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, करने वाला भी चाहिए, सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए। तो हमने उसको भी बात किया, इन लोगों ने ट्रेनिंग के लिए भी पर्याप्त और बहुत डिटेल व्यवस्था किया है। तो DM साहब ने कहा कि ये सारी ट्रेनिंग जो है बहुत सीरियसली होगा, क्योंकि इस बार VVPAT एक नया इंतजाम सभी जगह पे लागू हो रहा है, तो VVPAT की फंक्शनिंग के बारे में सबको ऐसा सिखाया जाएगा ताकि कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकें लोग। हालांकि हम लोग पास पर्याप्त मात्रा में इंजीनियर्स रहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में, जहाँ भी कोई समस्या आएगी तो उसको अटेंड करने के लिए, बट लेकिन दर्शक भी एक कंटीजेंसी ऐसा वाले लोगों को इतना ट्रेन कर दिया जाए कि ताकि लोग बड़ी सकून से बड़ी सुविधा के साथ उसको हैंडल कर सकें। बता सकता हूँ कि इस पर बहुत बार इस पर सवाल पूछे, बार निर्वाचन आयोग ने वहाँ पे भी बहुत लोगों को बुला के एक तरह का तुरंत पे चैलेंज भी कोई भी आके प्रूव कर, लेकिन हम लोग सिंपल बात फिर बात किया जाए, EVM इज हार्डवेयर मशीन, ये नहीं कोई रिमोट से ये कोड इधर से उधर किसका दे, उधर से इधर किसका दे, नहीं है, हार्डवेयर मशीन। मान लें कोई भी गाड़ी में बैठा है, मैं जो मान लें कि इसमें पिपराइट जा रहा हूँ, उसको मोड़ के ऊपर कहीं बैठे बैठे आदमी उधर से उसको उधर से उलट के बस्ती भेज दे गाड़ी, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको भाई आपने ब्रेक दबाओगे, एक्सीलरेटर दबाओगे, स्टीयरिंग हाथ में, कोई हार्डवेयर मशीन है ये, वो स्टीयरिंग घुमाने पर ही वो घूमेगा, कहीं ऊपर से सिग्नल भेजने से वो नहीं घूमेगा, इसका हार्डवेयर मशीन है। वो जिस जहाँ दबाते उसी अनुसार रोट होता है, एक बेसिक पॉइंट है। और दूसरा यदि ये कहते हैं कि ऐसा कोई सेट कर दिया गया है भाई सब वोट के बाद इसमें ट्रांसफर, मैंने कहा पहले संभव भी नहीं है, इसके रैंडमाइजेशन होता है भाई, आदमी की नंबर वन पे काउंट रहेगा, नंबर दो पे काउंट रहेगा, उस बटन्स में ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर होता है, किसका अल्फाबेट पहले पड़ता है तो पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आएगा। मशीन बहुत पहले से आके जिलों में रखा रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता। और दूसरी बात और तीसरी बात मैं बता दूं, इतना रैंडमाइजेशन होता है, इसको बोर्डों में रखे रहते हैं, खाद उसमें छेड़छाड़ करेंगे, वो फोर्स लगा रहता है हर वक्त, जब भी मशीन गोडाउन से निकालना है, मशीन गोडाउन से निकालना है पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव के सामने किया जाता है। और इसको बैलेट की हमारी जो बैलेट पेपर आने के बाद, कैंडिडेट्स फाइनल होने के बाद बैलेट पेपर सेट होता है, उस समय भी रैंडमाइजेशन होता है, फिर चेकिंग होता है। ये तो फर्स्ट लेवल चेकिंग इंजीनियर्स करते हैं, सेकेंड लेवल चेकिंग में जो रिटर्निंग ऑफिसर ये आबोस है स्वयं बैठ के टेस्ट करके देखते हैं कि मशीन ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। और तीसरे लेवल पे जब मशीन लिया जाता है पोलिंग पार्टीज के मूवमेंट में, तब हमारे पोलिंग के पीठासीन अधिकारी पोलिंग ऑफिसर उसको भी चेक करके देखते हैं कि मशीन ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
और फोर्थ में पोलिंग बूथ पे भी मार्क पोल होता है, चार लेवल पे इसकी चेकिंग होती है भाई ठीक से काम कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ईवीएम में कोई इसमें कोई हेरा फेरी हो रही है, हम इतना बड़ी सिंपल वे में ये कर सकते हैं या उसको जानता ही नहीं है, बहुत भारी अभिज्ञानता है। यदि उसको यदि थूक दे रहे हैं, हम ये कह सकते हैं बड़ा सिंपल वे में, ये बहुत बड़ी अज्ञानता, उसको प्रोसेस ही नहीं पता है। चार लोगों का इसमें और उनके पार्टी के कैंडिडेट्स के सामने भी होता है ये, और ऑब्जर्वर्स के सामने भी होता है, और इतने सारे लोगों के सामने होता है, मेरे ख्याल में इतना इसमें कहीं गुंजाइश ही नहीं है। यदि ना टेक्निकली गुंजाइश है, ना प्रक्रियात्मक गुंजाइश है, एक नहीं चार चार बार रेनोवेशन होता है ईवीएम्स में। ये कवर एक्स्ट्रा भी वीवीपैट का भी आ गया है, मान लीजिए कभी कभार ये होता है कि माने पोलिंग पर्सनल गलती से क्लोज करते वक्त ईवीएम में माने क्लियर बटन दबा दी, सारा वोट उसमें गायब हो जाते हैं, ऐसे पे कुछ समस्या आ सकती है। उसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने हर तरीके कंटिजेंसी को डील करने के लिए वीवीपैट इंट्रोड्यूस किया। वीवीपैट में जहां भी किसी बूथ में या किसी या तो कहीं पे कोई समस्या आ गई है, तो उसको हम लोग उसका जो स्लिप्स होते हैं किसको वोट पड़ा है, तो वो पूरा स्लिप्स रहते हैं, स्लिप्स निकाल के हम लोग देखते हैं। और वैसे भी एक जनरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हर एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक का निकाल के, और जहां भी लोग डिमांड करेंगे तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, खोल के देखते हैं। अभी तक वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने के बाद जितने चुनाव हुए हैं सब जगह मिलान करके देखा, वीवीपैट और ईवीएम 100% मैच कर रहा है। इट इज एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए डेमोक्रेसी में ये हमारे भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बहुत बड़ा निर्णय भी लिया है, और इसको एक और इसमें एक्स्ट्रा समस्या का भी इसमें एड्रेस हो जाता है। किसी कारण से कभी कभार ईवीएम लॉक हो जाता है, क्योंकि मशीन है रॉन्ग हैंडल कर लिया, ठीक से हैंडल नहीं कर पाया है, हालांकि ट्रेनिंग बहुत देने पर भी मशीन को ढंग से नहीं हैंडल किया, या बैटरी डिस्चार्ज जो हो गया, तो हालांकि बैटरी डिस्चार्ज से बैटरी रिप्लेस हो जाता है कभी कभी, तो लोग जो है मार्क बोल कर लिया और उसको एरेंज नहीं किया, उसको उसमें बने रहने दिया गया, कुछ कुछ गलतियां कभी कभी करते हैं, मैच नहीं करता है, तब उसको एड्रेस करने के लिए जो मैन मेड थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है उसको एड्रेस करने के लिए वीवीपैट है, ताकि 100% परफेक्ट हो जाए सिस्टम। तो अब यदि कोई व्यक्ति इसको मेरे ख्याल में आज की डेट में इतने जानकारी के बाद आज की डेट में कोई उठा नहीं रहा, पूरी पूर्व की बात हो गया है, आज के डेट में टेक्निकली और प्रोसेस वे भारतीय निर्वाचन आयोग बड़ी तो गंभीर है, उसको होना ही चाहिए। इसमें हम लोगों का तो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में तो सबसे बड़ी भारत प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है चुनाव, और चुनाव सही ढंग से होना चाहिए, और इसमें मिशनरी लगी हो, लोग हो, हर चीज़ जो है हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग परफेक्ट सिस्टम चलाते हैं। ये मैं ये नहीं कहूँ केवल हमारा ही काम है, हम सबका काम है, जो व्यक्ति देश से प्रेम करता है तो चुनाव सही ढंग से हो। तो मैं उसको डीएम और कमीशन से कह रहा है कि भाई हमारे पास यहाँ पर रही में बहुत बड़े एस्टैब्लिशमेंट है, उनको भी पूरी सिस्टम के बारे में ब्रीफ करना चाहिए, और यहाँ बहुत सारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनको भी ब्रीफ करना चाहिए। आज हमने डीएम साहब से अनुरोध किया तो उन्होंने भी अरेंज किया, जुडिशरी और हमारे जो बार है उनको भी उनके साथ भी हम लोग बैठ के उसको ब्रीफ करेंगे। तो अल्टीमेटली देखिए कि ये तो अपना आदेश है और अपनी डेमोक्रेसी है, इसको इतनी मेच्योरिटी होना चाहिए कि सिस्टम को हम लोग समझें और सिस्टम को और सही ढंग से वोन करें और सिस्टम को सही ढंग से चलाए, और यदि कोई कमियां कहीं नजर आता है तो लेट अस फोकस अंडरस्टैंड इट एंड डील। ये तो एसपी साहब और एसडीएम सीओ सभी लोग मिल के तो इसकी नहीं तो पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर है, या बीच में कोई उसमें वहाँ पर कोई तनाव है झगड़ा है कोई इस तरह का कोई इश्यू है तो उसको भी देख के ये लोग उसको करेंगे। आज तो कैंडिडेट्स तो ऑलमोस्ट विथड्रॉल हो सकता है, 10 कैंडिडेट है, उसके आधार पर कहाँ कहाँ पर सेंसिटिविटी है, किस तरह की सेंसिटिविटी है, किस तरह का विवाद है, तो वो करेंगे। एक और बात मैंने ये भी कहा कि तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है और भारत निर्वाचन आयोग का भी, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना और जाति और धार्मिक भावनाओं को पड़काना एक अपराध है ये, तो यस इसका कोई समाज में अलगाव और इस तरह की नफरत वाले बातें ना करें ना फैलाएं, ऐसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। तो हमने कहा है कि इस पर भी नजर रखना है, इसको पहले बताना भी है और आप लोगों का भी इस तरह का है, तो जहाँ भी इस तरह का कर रहा है तो
उनको तत्काल उनको संज्ञान लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, ताकि देखिए प्रजातंत्र में ये मतदान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी होना चाहिए कि इसको कराने का तरीका, तौर तरीका, मर्यादा, डिसेंसी, डेकरम लोग जानना चाहिए। तो व्यक्ति अभी नहीं जाना है तो और एडवांस में सबको बता दे, और जो व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना है, कि किसी भी हालत में भाई माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। तो नफरत की गुंजाइश नहीं है, तो अपने देश में प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, हर गतिविधि करने की तौर तरीका और उसकी मेच्योरिटी परिपक्वता होनी चाहिए। मतलब पोस्टल भाई उसकी व्यवहारिक समस्या है और सब देखते हुए तो जिन जिनको जिन जिनको जो इतनी प्रिवेंटिव डिटेंशन है, जो जिन जिन लोगों के लिए अलाउड है ये सिस्टम, उनके लिए ये फैसिलिटी दिया जाएगा। जो गाइडलाइंस के अनुसार जो व्यक्ति उसके लिए हकदार है तो उसको तो गाइडलाइंस के अनुसार उसको हक दिया जाएगा। चुनाव देखो सोशल मीडिया में तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, नफरत की बातें फैलाएगा उसमें, जिससे विवाद हो जाएगा, तनाव हो जाए, तो बिल्कुल खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा प्रेस में। और साइबर अभी सपोज NBWS अभी इनके पास शायद करीब जो है 60 का NBWS अभी सर्व नहीं किया, हमने कहा इसको सर्व भी करना चाहिए, और NBWS के आधार पर जो क्रिमिनल्स के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी है उसका उसकी जो यस जहाँ पर जब्ती की कार्रवाई हो सकती है, जहाँ पे उसको सील करने की कार्रवाई हो सकती है, उस सब में जिसने लीगल एक्शन होना है उसमें करा दिया जाए, और लाइसेंसेस को भी जमा कराने के बारे में बिना भेदभाव के यस सबके साथ उसकी लोकेलिटी हो, एरिया हो, तो सभी के साथ भाई लोकेलिटी के वाइज या किसी ओरिएंटेशन के आधार पर किसी को कोई फेवर या डिसफेवर नहीं करना है, समान व्यवहार करते हुए करना, लगातार लोगों के साथ भी बातचीत करते रहना चाहिए उसको। तो जितनी भी एक्शन होगा भाई, प्रिवेंटिव अरेस्ट की बात हो या प्रिवेंटिव एक्शन की बात हो, लाइसेंस जमा कराने की बात हो, NBWS की बात हो, सबके साथ समान व्यवहार, तो मेरिट के आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पर होगा, कोई भेदभाव नहीं है। काम लोगों ने DM साहब ने प्रयास किया है इसको अच्छा करने के लिए, अब जितना संभव है, अब तो मतदान सूची तो फाइनल हो गया इस चुनाव के लिए, अब केवल इतना ये हो सकता है कि हम लोग जो स्लिप बांटना है, यही अनुरोध किया सभी लोगों ने, स्लिप 100% बांट दिया है तो ताकि एक तरह से स्लिप वोटर स्लिप बांटने से बटने से तो एक तरह का इन्विटेशन भी है और उनको क्लैरिटी है कहाँ जाकर वोट डालना है। बहुत तो इसकी ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कि समय से और इसको हर एक के इसमें घर में पहुंचा दिया है। 11 मार्च को होने वाले लोकसभा उपचुनाव के 100% मतदान के लिए लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्वीप के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू के अलावा उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह, जिलाधिकारी राजीव रौतेला, SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, मुख्य विकास अधिकारी सहित चुनाव आयोग के प्रेक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके और पुष्प अर्पित करके किया गया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा स्वागत गीत तथा नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को मतदान करने की शपथ दिलाई और अपने संबोधन में उप निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह और मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने लोगों को मतदान की महत्ता के बारे में बताया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर जिलाधिकारी ने अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और अतिथियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दो 2018 स्विप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से मार्च को मतदान कुछ ही पलों में यहाँ का जो मंच पे
दूसरा ये है जो हस्ताक्षर अभियान के द्वारा जो लोग भी हमारे आसपास रहते हैं उन्हें मत डालने के लिए आग्रह करेंगे। दीप प्रज्वलन मैं निवेदन करूंगी अपने माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्री वेंकटेश्वर मुंडी जी प्रज्वलित करें और दीप प्रज्वलन के साथ ही विद्यार्थी अधिष्ठात्री देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके आज के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ। असतो मां सदगंगा चले ज्वाला चले ज्वाला आकाश मंडले ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। सभी यहाँ से प्रकाश को लेकर के जाएं क्योंकि प्रकाश अग्नि पवित्रता भी है। सभी के मन में श्री वेंकटेश्वर लोकी हमारे गोरखपुर के जिला बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए सभी का स्वागत एकल पुष्पों के साथ बहुत बहुत स्वागत करूंगी। समस्त जन की ओर से गोरखपुर की ओर से एक स्वागत गान के साथ समस्त अतिथियों का पूरे गोरखपुर का स्वागत करने के लिए एक चुनाव होना है उस उपचुनाव के लिए आप सभी को जागरूक करने के लिए इस पावन अवसर पर अधिकारियों का अधिकारियों का और यहाँ उपस्थित सभी जन का एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद सतपोली जी, सचमुच जो आज़ादी हमारे देश के वीरों ने हमें दिलाई है उसकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। अरे हमारे एक वर्ष सरकार बन भी सकती है और गिर भी सकती है।
अपनी आंखें खोली और मुझे पता चला है इन लोग के जरिए कि एक वोट का क्या महत्व होता है। इसलिए आज मैं सभी लोग से निवेदन करना चाहती हूँ कि 11 मार्च को वोट देने जरूर जाए। बना का आधार कार्ड तब का है अजी वोटर आईडी वोटर आईडी ना वोटर आईडी वोटर आईडी अच्छा अच्छा देखा कुछ नहीं जान माटी पता बना सुबेरे के लली खेत में कुछ चिंता बाकी नहीं खाना बनाओ खाना ला पहले ना जी ना अगर आपके सरकार ना पसंद आए तो मैं ठीक बटन का जी अच्छा पीर का बटन ये का ना जी ना नेटा का दो हां तेरी के नेटा हर काम में उल्टा फुल्टा नेटा नहीं नोटा बटन होला नोटा हां जी हां नोटा कैसे का रवि चला चले अच्छा ठीक है चला एकदम परेशान कह देले बटू कहां पड़ता वोट चला चला गोरखपुर कदम मंजिलों को पाने के लिए हर दिलों में उमंग है दोस्तों को हम सिखाएंगे वोट देने हम जाएंगे उन्नति खटे रहे हुए वोट दे पहले तो आपका उत्साह देख के कुछ ऐसा लगता है कि हमारी भी कुछ उम्र कम हो गई है और आप जिस तन्मयता से यहाँ पर बैठे हुए हैं वो स्वागत योग्य है। अभी आपके जनपद के कुछ कलाकारों ने बहुत अच्छे गाने प्रस्तुत किए और एक आपके सामने नुक्कड़ नाटक दिखाया गया जिससे कि वोट देने के महत्व के बारे में आपको समझाया गया। इतनी सुंदर प्रस्तुतियों के बारे में कुछ कहने के लिए शेष नहीं रह जाता है। मेरे ख्याल से कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो 11 मार्च को मतदान होना है उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में हमारे यहाँ हर नागरिक को जैसा कि आपके नुक्कड़ नाटक में दिखाया गया कि एक भीख मांगने वाले से लेकर के घर की गृहिणी से लेकर के काम करने वाले से लेकर के नवयुवक से लेकर के वृद्ध तक सभी को वोट देने का अधिकार है। और आप जो छात्रगण हैं अगर थोड़ा सा इतिहास पर नज़र डालें और वर्तमान की घटनाओं पर नज़र डालें और ये देखें कि हमारे अगल बगल कुछ ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है जहां पर लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है उन देशों की क्या स्थिति है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत के लोग कितने धन्य हैं और उनको ये अधिकार कितनी मेहनत से मिला है। और मैं बोलूँगा उसके पीछे आप लोग बोलिएगा नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश की औसत 60% रहा है और गोरखपुर का और 3-4% कम रहा है। ये कारण क्या है हम लोग ये सभी गतिविधियां करते हैं। अभी देखिए अभी एक नाटक में लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे ना कि वोट हम क्यों डालें बहुत सारे लोगों को वोट हम क्यों डालें उसका जवाब अभी उसको मिल नहीं पाता भले नाटक में मिल गया हो लेकिन वास्तव में लोगों को इसका जवाब नहीं मिल पाता तो इसके लिए और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दो चीजें हैं यदि हम लोग सब काम करें गतिविधियां चलाएं लेकिन नतीजा नहीं आया है तो फिर हम लोग आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि आखिर में क्या कारण है क्यों वोट डालने लोग नहीं आ रहे हैं तो इसको समझाने का तौर तरीका विकसित करनी पड़ेगी। तो मोल मोल में हो या गांव में हो उसको
उसको बैठ के चर्चाएं करनी पड़ेगी और लोगों को अल्टीमेटली उसको तर्क समझाना पड़ेगा। और बहुत लोग ये पढ़े लिखे लोग भी, जैसा नाटक में भी प्रदर्शित हुआ है, पढ़े लिखे लोग भी वोट नहीं डालते हैं, उनको भी बहुत बार हमको लगता है कि पढ़े लिखे लोग समझते हैं, बहुत बार ये भी नहीं समझते क्योंकि ये वोट की गहराई, वोट का महत्व तो लोगों को नहीं पता है। लेकिन हम लोग अपने समाज की कमियों को उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं है। यदि हम लोग सुधार करना चाहते हैं, मान ली बीमारी है और इलाज करना चाहते हैं, तो कारणों को ढूंढना पड़ेगा। और ये लोग पढ़ते हैं कितना समझते हैं तो समझना चाहिए। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने एक लिटरेसी, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब्स बनाने का निर्देश है, हर इंटर कॉलेज में, हर इंटर डिग्री कॉलेज में, इवन गांव में भी और मोहल्लों में भी इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब्स बनानी है। ये इनके माध्यम से चुनाव से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को जानकारी देनी है, ईवीएम वीवीपैट के बारे में हो और ये प्रक्रिया के बारे में और वोट का महत्व के बारे में। अभी जो डीएम साहब ने जो शपथ पढ़ के सुनाया है, इसमें लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखने की बात है। पहले समझना पड़ेगा भैया लोकतंत्र क्या है। बहुत लोगों को लोगों को पता ही नहीं है लोकतंत्र क्या है। इन बच्चों से कभी पूछते हैं, लोग कहते हैं ये लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के माध्यम से चलाने वाला ये तंत्र है। ये लोगों के माध्यम से ही बनना है, लोगों के द्वारा ही चलना, लोगों के लिए ही चलना है। तो फिर ये कैसे चलेगा? अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के मार्फत चलता। और अपने चुने हुए प्रतिनिधि यदि सही ढंग से चयन नहीं होगा तो फिर जैसे आप लोग ये नाटक के दौरान, गाने के दौरान बताया गया है कि सही पॉलिसीज बने, सही नीतियाँ बने और सही नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन हो और समाज को, देश को सही दिशा और दशा मिले और अपनी भारत की, भारत उत्कर्ष की ओर आगे बढ़े, तो इसके लिए बहुत बड़ा महत्व तो है। और हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं क्या है, परा और परंपरा, बहुत बार लोग परंपरा का मीनिंग लगा देते हैं कि एक रीति रिवाज, हो सकता है कि रीति रिवाज की बहुत बड़ी महिमा रही होगी, मर्यादा रही होगी, लेकिन आज के डेट में बहुत बार रीति रिवाज आज के डेट में ये समाज को आगे बढ़ने में ये बाधा भी बन गए। एक्चुअली ये हरा लक्ष्य और परम लक्ष्य, उत्तम और उत्कृष्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए, इस समाज में शांति हो, सद्भाव हो, विकास हो, कोई अभाव ना हो, ये लोगों में मेल मिलाप भी हो और अभाव भी ना हो और पर्यावरण भी ठीक हो, इस तरह की उत्कृष्ट भाव वाला, उत्कृष्ट आचरण वाला, ये उस तरह के समाज के निर्माण की बात है। तो पहले हम लोग इसको गहराई से इन सभी बातों को समझना पड़ेगा और जो समझता है दूसरों को समझाना पड़ेगा। सही बातों पर या तो समझे या सही बातें बोलने वालों की प्रति निष्ठा, यही दो चीज है समाज में आगे बढ़ने के लिए। भगवान ने गीता में एक बार कहते हैं कि यदि समाज आगे बढ़ना है क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करने से समाज का नुकसान होगा। उन्हें एक सूत्र में कहा कि अज्ञश्च अश्रद्धावाच्च संशयात्मा नश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परा न सुखं संशयात्मनः। सुनने ना, इसकी अज्ञश्च अश्रद्धावाच्च संशयात्मा नश्यति, स्वयं के अंदर ज्ञान नहीं है और अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, स्वयं के अंदर बड़ी अज्ञानता है लेकिन अपने को बहुत बड़ा ज्ञानवान मानता है और वो सही करने लायक कार्य को करता नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, इससे वो तो नष्ट हो ही जाएगा। और दूसरा व्यक्ति स्वयं जानने की क्षमता नहीं है लेकिन ये दूसरों लोगों की और शास्त्रों की, इस तरह के शब्दों के प्रति उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं, बहुत सारे नफरत की बातें भी सुनता है और जातिवाद के आधार पर और धार्मिक बहुत
बहुत सारे धार्मिक भावनाओं को पढ़ के किए कि भी वोट लेने का प्रयास होता है। ये भारत निर्वाचन आयोग ने भी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको माना है कि इस तरह की चीजें करना ये बहुत बड़ा अपराध है। समाज में हमारे भारत में रहने वाले सभी हमारे भाई है, सबका सम्मान और सबका सहयोग और इनकी सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिले, न्याय बंधुत्व ये जो हमारी संविधान में जिन चीजों को प्रदान करने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत त्याग तपस्या किया है उसको समझना पड़ेगा और उनको हासिल करने के लिए जो कार्य करता है, जो सेवा भाव है, जो नम्रता है, जो समाज में प्रेम बढ़ाता है, जो निष्ठावान है, ऐसे लोगों को चुन के ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाना पड़ेगा। ये बातें और जो व्यक्ति समाज की जो अज्ञानता का फायदा उठा के जो लोगों के बीच में नफरत फैलाते हैं और लोगों के बीच में झगड़ा पैदा करने के लिए जो उल्टी बातें करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कानूनी ढंग से भी होना है। और दूसरा ऐसे जो समाज को नुकसान करने वाली और समाज में अलगाव पैदा करने वाली, दुश्मनी बढ़ाने वाली बातें करने वालों को लोगों का समर्थन भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में अल्टीमेटली लोगों की जिस तरह की भावना है उसी तरह की प्रतिनिधि बनते हैं और उसी तरह की व्यवस्था चलती है। ये बहुत बड़ा कार्य है, बड़ा साइलेंट एक्टिविटी है, तो इस पे ये बहुत बड़ी सेवा है और बहुत बड़ी देशभक्ति है, यही बहुत बड़ी ईश्वर भक्ति है। लोगों के अंदर प्रेम बढ़ाना और सकारात्मकता बढ़ाना इसमें सबको बहुत बड़ा कार्य है, इसको करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब की जो गतिविधि है वो साल भर चले, रेगुलरली चले, ये नहीं केवल इलेक्शन के दौरान केवल हम लोग सिम्बॉलिक वे में काम करने से ये बात बनेगी नहीं है, लगातार प्रोग्राम करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गहराई से करना पड़ेगा, क्योंकि समाज की बदलाव का एकमात्र माध्यम वोट है। हमारे महापुरुषों ने आजादी ला के अधिकार हमारे हाथ में दे दिया। अभी हमारे भाई लोग जो गाना गा रहे थे ये दान भी है और अधिकार भी है। बहुत बार आदमी पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा, यदि ये दान है दान से पुण्य मिलेगा और कुछ और चीज नहीं मिलेगा, और ये बड़ी दान को बड़ी पवित्र भावना से करते हैं, हर धर्म में दान की बड़ी महिमा गाई गई है। तो आदमी इसको अधिकार के तौर पे भी नहीं समझता ना दान के तौर पे समझता है। जिस समाज में दान करने की प्रवृत्ति नहीं होगा वो समाज बहुत बड़ा गर्त में जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। दान करने की प्रवृत्ति, हमारे महापुरुषों ने पूरा जीवन दान दे दिया, ये सारी त्याग तपस्या ये सब दान है और इन्होंने पूरा अपनी पूरी प्राण आहुति कर दिया है। ऐसे समाज में आज के डेट में 70 साल की आजादी के बाद जितनी समस्या हम लोग देखते हैं इसकी वोट का महत्व और वोट की गहराई ना समझने के कारण है। इस भव्य परिसर में सबसे प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हैं तो इस पर हम लोग गहराई से चिंतन करना पड़ेगा और ये लोकल चुनाव हो, भाई इलेक्शन हो और साधारण चुनाव हो, सब में इन गहराई से लोगों को समझा के सही भावना के साथ वोट डालने के लिए और सही लोकतंत्र और सही समाज के निर्माण में सब लोग योगदान देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सबको ताकत दे, हम सब लोग मिलकर अपने देश को और अच्छे और मजबूत और स्वस्थ बनाए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जब भी अपनी माँ से भटकेंगे वो हमें रास्ता दिखाएंगे, हम हमारे बीच मैं मुख्य विकास अधिकारी अमित जी से निवेदन करूंगी। डॉक्टर सुबोध कुमार प्रेक्षक जी काफी समय तक यहाँ पर रहे, पूरी तन्मयता से आपने प्रतिभाग किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और उनके साथ उनके उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हमारे बीच में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग से आए हुए हमारे प्रेक्षकगण श्री मंजुनाथ जी और डॉक्टर सुबोध जी जो हमारे बीच हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जितने भी ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया, इसे सफल बनाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये आह्वान करते हुए कि इस निर्वाचन की प्रक्रिया में 11 मार्च को हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 64 गोरखपुर में मतदान होगा, सभी वोटर्स से मेरा आह्वान है कि वो बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें
और निर्वाचन को सफल बनाया। बहुत बहुत गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 11 मार्च को होने वाले उपचुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए मतदान कर्मियों को विकास भवन के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कार्मिक अधिकारी बीएन मिश्रा ने ईवीएम के साथ लगने वाले वीवीपैट के प्रयोग करने की जानकारी दी। इस दौरान कार्मिकों ने मशीनों से निकलने वाली पर्चियों तथा स्लिप को भरने के लिए प्रोजेक्टरों के माध्यम से बताया गया, जिससे मतदान को सुनिश्चित और सुचितापूर्वक कराया जा सके। वो जो भी प्रत्याशी या जो भी एजेंट लेता है संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद से हम फिर जज सेक्शन के बाद से क्लोज बटन को दबा देते हैं। क्लोज बटन सबसे पहले दिखावटी जब यह होता है उसमें ये प्रमाण पत्र, एक तरह से ये प्रमाण पत्र होता है, प्रमाण पत्र ये सारा इसमें कॉलम दिखा दीजिए, ऊपर करके 6 कॉलम होते हैं। 6 कॉलम में पहला ये क्रम संख्या है प्रत्याशी का, दूसरा प्रत्याशी का नाम, तीसरा दिखावटी मतदान में डाले गए मतों की संख्या, चौथे में परिणाम के जांच में कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित मतों की संख्या, प्रयुक्त वीवीपैट में दिखावटी मतदान के परिणाम में प्राप्त छपी पर्चियों की संख्या डाले गए मत व कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम तथा वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों की संख्या परस्पर सही है या नहीं, इसका मिलान हम कर लेते हैं। नाम, राजनीतिक दल का नाम, प्रत्याशी का नाम, मतदान कर्ता का हस्ताक्षर, यानी यहाँ पे उनके जितने भी एजेंट है 2-3-4-5 उनके नाम हो जाएंगे, किस राजनीतिक दल से उसकी संबद्धता है वो हो जाएगा, और प्रत्याशी का नाम, किस प्रत्याशी का वो एजेंट है उस प्रत्याशी का नाम हो जाएगा, और लास्ट में उस मतदान कर्ता का हस्ताक्षर होगा। नीचे वाले काल में जाइए तो वहाँ पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर, ये आपका मार्कपुर, हाँ ये मार्कपुर का विवरण ले आइए, खाली मार्कपुर का विवरण, यस ऊपर वाला लाइन हिडन करिए, विधानसभा ऊपर ले जाइए, विधानसभा उसमें उस विधानसभा क्षेत्र का संख्या नाम, बूथ और मतदान प्रारंभ का समय, अभ्यर्थी का नाम, उसके पक्ष में डाले गए वोट, माने कि कुल अगर 6 ही अभ्यर्थी हैं और नोटा सहित कुल 8 अभ्यर्थी हैं तो 8 अभ्यर्थियों में कम से कम 6 वोट तो पड़ना ही है, ठीक है, और किसी को 8 हो जाएगा तो 50 का कोटा पूरा किया जाना है, तो डाले गए मतों की संख्या उसमें डालना है अभ्यर्थी के पक्ष में 1-2-3-4-5-6 कुल कितने मिले, ठीक है, जैसे जब काउंट हो रहा है तो काउंटिंग होते हुए उसमें लिखते हुए चले जाएंगे, नोटा को कितना मिला है वो लिख लेंगे, और नेक्स्ट पेज पे फिर वही चीज है, सभी मतदान अधिकर्ताओं का हस्ताक्षर है और पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, यानी मार्कपोल के दो चीजें हैं, एक तो ये विवरण पत्र है और दूसरा उसका मार्कपोल का सर्टिफिकेट है। इसके बाद हम चाहे 7 पर्ची जो गिरेगी, 7 पर्ची नहीं गिर, जितना जितना वोट डाला जाएगा उतनी पर्चियां गिरेंगी। पिछले दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर गोपाल प्रसाद और छात्रों के बीच हुए विवाद का मामला कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह के हस्तक्षेप के बाद थम गया है। कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया कि चीफ प्रॉक्टर द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई का तरीका सही नहीं था, जिसे प्रॉक्टर ने भी छात्रों के बीच स्वीकार किया। चीफ प्रॉक्टर के गलती स्वीकार करने के बाद छात्रों का आक्रोश भी थम गया है। उन्होंने कहा, पिछले दिनों कुछ छात्र जो थे बहुत उग्र थे, यहाँ पर आए थे, आपसे मिलने आए थे लेकिन मिल नहीं पाए थे, उनका कहना है कि चीफ प्रॉक्टर द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया, इस मामले में क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि चीफ प्रॉक्टर का नाम ही दंडाधिकारी है, हैं, उसका काम ही दंड देना है, तो मजिस्ट्रेट का काम दंड देना होता है, लेकिन चूंकि चीफ प्रॉक्टर एक गुरु भी होता है साथ में, तो वो अगर छात्र कहीं भटक जाते हैं, थोड़ा अनुशासनहीनता होती है तो डांटते भी हैं, टपटते भी हैं, लेकिन अब आज का युग ऐसा है कि अब आप किसी को कान पकड़ के उठक बैठक भी नहीं करा सकते, जो स्कूलों में भी बंद हो गया है, जबकि हम लोग छात्र थे तो हमें तो बहुत अच्छी तरह याद है कि हमारी खूब गेनिंग होती थी, स्कूल से अगर जरा होमवर्क नहीं करके आए तो उठक बैठक कराने में तो हम लोग समझते थे बहुत सस्ते छूट गए, बकायदे छड़ी से पिटाई होती थी, लेकिन वो जमाना अब नहीं रहा, अब स्कूल में भी इस बात को ह्यूमन राइट्स
वगैरह सब उसी तरीके से देते हैं, अक्सर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं इसको लेके, सीवियर स्टेप ना उठाएं, इसलिए अब उसको मना कर दिया गया सरकारों के द्वारा। तो जो हमारे चीफ डॉक्टर साहब ने किया, उनका उद्देश्य बच्चों को ये नहीं था कि उनका कोई नुकसान करें या हतोत्साहित करें उनको, लेकिन फिर भी उनको पीड़ा हुई। तो मैंने बच्चों से बात की, चीफ डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन बच्चों को इसका तकलीफ पहुँची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मैं पेपर के माध्यम से बता दूंगा कि भाई भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं की जाएगी, उसके द्वारा फिजिकली नहीं किसी तरह से परेशान किया जाएगा। और बच्चे अनुशासन मेंटेन करके रखें, विश्वविद्यालय में पठन पाठन का माहौल रहे, ये विश्वविद्यालय के छात्रों से भी निवेदन है ताकि किसी भी तरह का बाहरी तत्व न घुसने पाए। अक्सर ये देखा जाता है कि छात्रों के माध्यम से कुछ बाहरी तत्व विश्वविद्यालय परिसर में आ जाते हैं और फिर वो उनके खिलाफ FIR करना पड़ता है, पकड़ के अगर पकड़े जाते हैं तो FIR बाहरी तत्वों के खिलाफ होता है तो जो अपने छात्र होते हैं वो भी उसके घेरे में आ जाते हैं। तो ये विश्वविद्यालय के छात्रों का भी दायित्व तो बनता है कि विश्वविद्यालय का पठन पाठन को माहौल बना के रखें और किसी भी दशा में बाहरी तत्वों को विश्वविद्यालय परिसर में ना घुसने दें। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामभुवाल निषाद और संजय निषाद ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में किया। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान रामभुवाल निषाद ने कहा कि भाजपा अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर पा रही और जनता इससे त्रस्त है। एक सवाल के जवाब में संजय निषाद से पूछे जाने पर कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो प्रवीण निषाद और उनकी मां दोनों को प्रत्याशी बनाना पड़ा, तो संजय निषाद ने इसे पार्टी की अपनी गोपनीय रणनीति का मुखौटा लगाते हुए सवाल का माकूल जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निषाद जी हैं जो डॉक्टर संजय निषाद के बेटे हैं। समाजवादी पार्टी को एक गठबंधन के तहत डॉक्टर संजय जी अपने पार्टी का समर्थन दे रहे हैं, पीस पार्टी का समर्थन दे और प्रवीण निषाद को हम लोग जिताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जनता में जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये नाराज है वो नाराज है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराज नहीं है, सब लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के मूड में हैं, कहीं से कोई नाराजगी नहीं है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और जो आपको पूछना है, हमारी जो पिछली सरकार रही समाजवादी पार्टी, वो विकास समाजवादी पार्टी ने किया है, इसके तमाम उदाहरण आप पत्रकार सब लोग जानते हैं कौन कितना विकास किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में विकास जो हुआ है आपसे छिपा नहीं, गाय और बछड़े का विकास हुआ है, यहाँ खेती बाड़ी सब चौपट हो रही है, किसानों का कर्ज जो माफ करने के लिए वादा किए थे उसको भी पूरा नहीं किए, तो 15 लाख केंद्र सरकार की योजना थी कि विदेश से पैसा लाएंगे, काला धन विदेश से लाएंगे, सबको 15-15 लाख मिल जाएगा, अब तक 15 पैसा किसी को नहीं मिला, और नहीं उल्टे कई हजार करोड़ रुपया लेकर सर ने मोदी जी का नाम चार मोदी जैसे भारतीय, अब वो चारों गुजरात के रहने वाले हैं। कहीं हमारी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर थाना अध्यक्ष पोस्ट होते थे यादव, तो यही भाजपा ही कहते थे कि ये मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं, अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार हैं, और ये मोदी जी लोग पैसा जो लोग भागते हैं, जिसका मतलब ये लोग ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के रिश्तेदार हैं। अब तो हम ये बताइए कि आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस अलग यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो क्या माना जाए राष्ट्रीय स्तर पे आपका गठबंधन टूट गया? ये नहीं टूट गया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे ना, हम जितना कह रहे हैं उतना आप सुनिए, इस जो पॉलिसी मैटर है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं क्या करेंगे, डॉक्टर साहब बताएं। हम तो अपील कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, लोगों में जो भ्रम है, लोग जो गुमराह हो जाते हैं उसको सावधान किया जा रहा है कि आप यही BJP है, जो अच्छे दिन आएंगे तो अच्छा दिन तो अभी आप लोग भी नहीं देखे होंगे, महंगाई मिली है, महंगाई बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो यही अच्छा दिन है, ये तो आप बेहतर जानते हैं, अच्छा तो कुछ हुआ नहीं, अब सब खराबे हुआ है,
तो अगर भाजपा का ये पॉलिसी है कि भाई खराब दिन लाइए, महंगाई बढ़ाइए, अपराध बढ़े, यही उनका अच्छा दिन है, तो जनता को ये ऐसा अच्छा दिन नहीं चाहिए कि सब लोग उस उम्मीद में अच्छा दिन कैसा होगा देख लिया जाए। देख लिए लोग साल भर, चार साल केंद्र गवर्नमेंट को देखे, साल भर प्रदेश सरकार को देख रहे हैं, बेटा सब लोग लड़ रहे हैं, इसका कोई खास औचित्य क्या है आप बताइए? उसका जवाब तो मैंने पहले अभी दे दिया। नहीं, आप हमसे बताइए। ये अभी सारे लोग एक साथ मिलकर खाली इस सामने जो खड़ी सरकार है वो सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। कुछ रणनीति होती है ऐसी, क्या जरूरत पड़ गई कि माता जी को कहना पड़ा बेटा खुद ही है? रणनीति का खुलासा नहीं होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में आगामी 24 फरवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा संकाय भवन के सभागार में किया जाएगा। यह जानकारी राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजक सचिव डॉक्टर उदय सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय भारत में शिक्षक शिक्षा के मुद्दे पर रखा गया है। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ल और कार्यक्रम के अध्यक्षता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद के पूर्व कुलपति राम अचल सिंह करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संगोष्ठी में बिहार, दिल्ली, राजस्थान तथा यूपी के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लोगों को प्रतिभाग किया जाएगा। ये हमारा UGC के द्वारा अनुदानित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी 24 और 25 फरवरी को शिक्षा संकाय भवन में आयोजित होगी, जिसका प्रमुख विषय होगा भारत में शिक्षक शिक्षा के मुद्दे, और उसके अंतर्गत उससे रिलेटेड जो 9 उप विषय हैं उन पे लोग अपने पेपर्स प्रेजेंट करेंगे, सार्थक वार्ता करेंगे और कुछ निष्कर्षों तक पहुँचेंगे। कल 24 तारीख को प्रातः 10:30 से इसके उद्घाटन सत्र का आयोजन होगा, जिसके मुख्य अतिथि होंगे प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, जो कि इस समय MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के कुलपति जी हैं, और अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर रामचल सिंह साहब, जिनको जो कि पूर्व में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं और साथ ही उच्चतर शिक्षा संघ आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहेंगे। विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय सिंह इस कार्यक्रम में रहेंगे। कन्वीनर इस सेमिनार के प्रोफेसर नरेश प्रसाद भोक्ता जी सहित सभी विभागीय लोग और अतिथि यहाँ पे रहेंगे, और कल इसके बाद में सेशंस के बाद कल 2:30 से समापन सत्र आयोजित होगा, जिसकी मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रतिभा खन्ना, पूर्व अध्यक्ष अधिष्ठाता शिक्षा संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर होंगी, तथा उस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए प्रोफेसर संजय सिंह, जो कि वर्तमान में शिक्षा संकाय की अधिष्ठाता और शिक्षा साधन के अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कि हम लोग सर्टिफिकेट का वितरण सहित जो 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 रिकमेंडेशंस हैं सेमिनार की, उसकी जो संस्तुतियाँ हैं उन संस्तुतियों को UGC को रिकमेंड करेंगे। एक्चुअली भारत में अध्यापक शिक्षा के मुद्दे एक ऐसा ये सर्वकालीन विषय है, ये मुद्दे
सभी प्रकार की शिक्षा के साथ है, लेकिन भारतीय शिक्षा में चूंकि अभी थोड़े ही समय पहले द्विवर्षीय पाठ्यक्रम हुआ है, NCT की भूमिका में काफ़ी बदलाव हुआ है। अभी विश्वविद्यालयों में और पूरे देश में एक साथ एकीकृत स्नातक और BEd पाठ्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है। ये बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं और हमारे पास में अध्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो लगभग पुरानी ही जैसी, तो ऐसे में बहुत ही समस्याएं आ रही हैं, जैसे गुणवत्ता की समस्या आ रही है, अन्य जो प्रैक्टिस स्कूल्स हैं उनकी प्रॉब्लम आ रही है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता की समस्याएं हैं, ऐसे बहुत से जो समस्याएं हैं मुद्दे के रूप में सामने आए हैं, तो उन पर बात करने के लिए ये मंच प्रदान कर रहा है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कि देश के विभिन्न भागों से आए हुए शिक्षक लोग, शिक्षक प्रशिक्षक लोग, शिक्षा के शोधार्थी लोग जिनका विषय में सीधा दखल है, जिनका सीधा अपना अनुभव है, वो इस पर कुछ चर्चा करेंगे ताकि हम सब मिलकर इन मुद्दों के अनुकूल अपने को तैयार कर सकें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय डिजिटलाइजेशन की ओर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए छात्र छात्राओं के अंक पत्रों और डिग्रियों के ऑनलाइन रखरखाव और आसान सत्यापन सुविधा के लिए गुरुवार को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटर योजना के अंतर्गत CDLC वेंचर्स लिमिटेड के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षर किया है। विश्वविद्यालय की ओर से MOU पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह ने और CVL प्रतिनिधि देवेश दुबे, कुल सचिव शत्रुघ्न वैश्य तथा NED के नोडल अधिकारी प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय मौजूदा सत्र से ही फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के अंक पत्र और डिग्री ऑनलाइन कर देगा। डिजिटल डिपॉजिटरी में अकादमिक प्रमाण पत्र रखने से शैक्षिक संस्थानों, छात्रों और नियोक्ताओं को ऑनलाइन डिजिटल अकादमी सर्टिफिकेट मुहैया होंगे और फर्जी प्रमाण पत्र और मार्कशीट बनाने की धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी। इस मौके पर NED के CVL प्रतिनिधि देवेश दुबे ने कहा कि छात्र अक्सर अपने प्रमाण पत्र की प्रतियां जब खो देते हैं या नष्ट कर देते हैं तो उन्हें फिर से बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस योजना के तहत छात्रों को यह समस्या से निजात मिलेगी। तो विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और CDSL की सर दोनों लोग हाथ में कहा थोड़ा सा और नजदीक हो जाएंगे तो NED और विश्वविद्यालय में किस तरह का एग्रीमेंट आज हुआ है? ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब गोरखपुर विश्वविद्यालय ने मैंने NED से MOU साइन किया है और CDSL उसको मेंटेन करेगी और विश्वविद्यालय के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं बच्चों से जुड़े हुए हमारे उनके डिग्री हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब जो है हम अब डिपॉजिटरी में रखेंगे। जो बच्चा रजिस्टर कराएगा उसके डॉक्यूमेंट्स उसमें पड़ जाएंगे और जब एम्प्लॉयर को ज़रूरत होगी तो वो फिजिकल ना देख करके डिपॉजिटरी के माध्यम से ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेगा। बच्चे का भी सर्टिफिकेट मार्कशीट गायब हो जाता है तो वो भी डिपॉजिटरी के माध्यम से नीचे निकाल सकता है, उसको विश्वविद्यालय या अन्य जगह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये परमानेंट रिकॉर्ड उसके उसमें पड़ा रहेगा। तो विश्वविद्यालय को भी सुविधा रहेगी और जो एम्प्लॉयर है उसको भी अभी वो भेजता है मार्कशीट बाई पोस्ट भेजता है, यहाँ आता है फिर यहाँ से वेरीफाई होकर फिर बाई पोस्ट जाता है
तो उसमें समय भी लगता है, बीच में वो फिजिकल लॉस्ट होने का भी खतरा रहता है, कि सबसे मुक्ति मिल जाएगी और सब कुछ डिपॉजिटरी में अवेलेबल रहेगा और CBSR उसको मेंटेन करेगा और उसी के माध्यम से बच्चों का लेकिन बच्चों ये गोपनीयता जो है बच्चों तक ही रहेगी, बच्चे जब अलाउ करेंगे तभी उनके मार्कशीट को लेने सर्टिफिकेट को देख पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों को एक पासवर्ड दिया जाएगा और उस पासवर्ड के माध्यम से जब वो चाहेंगे जिसको दिखाना चाहेंगे उन्हीं को ये दिखा सकते हैं और किसी दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। मारवाड़ बिजनेस कॉलेज द्वारा व्यक्तित्व विकास विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को कॉलेज सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता प्रोफेसर TPN श्रीवास्तव, कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता प्रोफेसर SN चतुर्वेदी, प्रोफेसर BL सर्राफ, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी सहित कॉलेज के कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके और उसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना करके किया। वहीं अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विकास का आधार निरंतरता अभ्यास है, यह केवल एक दिन का कार्य नहीं है बल्कि हर दिन के प्रयास पर आश्रित है और यह अभ्यास एक व्यक्ति के व्यक्तित्व, अनुभव, मन, कर्म और वचन के द्वारा विकसित होता है। सरस्वती भगवती निहशे सजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार शार परमा आद्यां जगद्यापिनी वीणा पुस्तक। विश्वविद्यालय के पढ़ी में व्यक्ति को देखना है। मैं समझता हूँ स्थापना से आज तक तो इस फेशियल ट्रेनिंग का कोई ऑप्शन नहीं है और आज हमें व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में इन तीन ट्रेनिंग को देख करके मंजा सिंह करके जिस सुखद अनुभव की जिस सुखद आनंद की अनुभूति हो रही है मैं व्यक्त नहीं कर सकता। क्योंकि व्यक्तित्व एक ऐसी चीज है जिस पर तमाम चर्चाएं होती रहती है, बड़ा क्लिष्ट विषय है, अमूर्त है, इसकी परिभाषा खुदी गई बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन सोचा जाए तो व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत एहसास, व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत आचरण, जो प्रवृत्ति है, जो दृष्टिकोण है, जैसा आप भारत स्काउट एवं गाइड के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पॉवेल का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। लॉर्ड बेडन पॉवेल के जन्मदिन को भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा गुरुवार को स्काउट कुटीर में चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा लॉर्ड बेडन पॉवेल के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करके किया गया। इस अवसर पर भारत स्काउट एवं गाइड के जिला मुख्य आयुक्त रामजन्म सिंह ने कहा कि इस महान व्यक्तित्व के जन्मदिवस पर सभी को देश के प्रति अपने कर्तव्य क्षेत्र पर चरित्रवान होने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर सहायक जिला कमिश्नर सुभाष शाही, जिला संगठन आयुक्त राकेश सैनी, इशरत सिद्दीकी, मंजू मिश्रा, सत्यानंद शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। आप लोग फूल लीजिए, सब लोग माला लीजिए। दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित कोला क्षेत्र के असिस्टेंट कमिश्नर स्काउट श्री सुभाष शाही जी, कार्य
संस्था के पदाधिकारी, डीओसी स्काउट, श्री राकेश सैनी, डीओसी गाइड श्रीमती ईश्वर सिद्दीकी, डीटीसी गाइड श्रीमती किरण, इमामबाड़ा की गाइडर प्रतिनिधि का जो एकमात्र ऐसी संस्था है जो सही मानव के निर्माण की कार्यशाला है, जो सही मनुष्य को बनाने की शिक्षा देती है। हमारे नैतिक मूल्य दिनों दिन गिरते जा रहे हैं। उन्होंने बताया, नव नियम बताए कि स्काउट गाइड वफादार होता है, स्काउट गाइड विश्वसनीय होता है, स्काउट गाइड सबका मित्र होता है, स्काउट गाइड प्रकृति प्रेमी होता है, स्काउट गाइड राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करता है, स्काउट गाइड सबका भाई होता है, गाइड सबकी बहन होती है। हम ईश्वर तथा देश के प्रति, हमारी प्रतिज्ञा है कि हम ईश्वर तथा देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं और हम दोनों का तो साथ साथ करके चलते हैं। इसीलिए आपकी जो प्रार्थना है उसमें कहा गया है, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। आगे चल के कहते हैं, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखाते हैं। कहने का मतलब, हम केवल समाज सेवा तक ही सीमित नहीं रखे हैं, जरूरत पड़ने पर हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जान कुर्बान करेंगे। गुरुवार को गोलघर चेतना तिराहे पर यातायात पुलिस द्वारा गाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान दुपहिया वाहनों के लाइसेंस, इंश्योरेंस सहित हेलमेट ना लगाने वालों के लिए चालान भी काटे गए, तो वहीं दोपहिया वाहन पर तीन सवारी चलने वालों पर चालान काट कर उन्हें सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पंडित प्रसिद्ध नारायण मिश्र स्मृति व्याख्यान का आयोजन गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सभाजीत मिश्र, राम प्रसाद मणि त्रिपाठी, महेश्वर मिश्र, ज्ञानेश्वर मिश्र, वागी शुक्ल, गिरीश मिश्र, विनोद चंद्र पांडे, दयानिधि सहित विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान में उपस्थित वक्ताओं ने आधुनिक भारतीय दर्शन, विमर्श, अध्यात्म एवं स्वतंत्रता की अवधारणा विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। जिसका संबंध इन विचारों से है, तो जो भारत की चेतना चली गई थी, एक तरह से संबंध विच्छेद, भारतीय पुनर्जागरण, अतीत की तलाश भी है, वर्तमान का निर्माण और एक उसमें भविष्योन्मुखता है। भारत का भविष्य कैसा होगा, मनुष्य का भविष्य कैसा होगा, सारी मानवता का भविष्य कैसा होगा। पुनर्जागरण का हमारे इन विचारकों ने देखा कि भारतीय परंपरा में बहुत कुछ है जो मूल्यवान है, उसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, लेकिन भारत एक पराभूत राष्ट्र था। जब ये लोग चिंतन कर रहे थे और पराभव का एक सब कुछ लंबा इतिहास था,
उस पराभव की स्थिति में प्राचीन चिंतन के साथ, जो कि एक उदात्त चिंतन था, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे चिंतन में प्रविष्ट हो गई जिनका हम चिंतन से वास्तव में कोई संबंध नहीं था, और जो समाज के विकास में बाधक थी, मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक थी। इसलिए पुनर्जागरण काल में अतीत को पकड़ने का प्रयास एक तरफ है, दूसरी तरफ उस अतीत में जो कालातीत हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है, जो केवल रूल हो गया है, जो अंधविश्वास के रूप में चल रहा था, उन सब से अलग होने की चेष्टा है। एक वैज्ञानिक ढंग से, जैसे पश्चिम में हो रहा था, तार्किक ढंग से सोचने का एक प्रयास है, और जो भारत का प्राचीन, भारत के प्राचीन चिंतन का जो वैभव था, उसकी जो विविधता थी, उसकी जो समृद्धि थी, उस समृद्धि को स्थापित करने का भी एक प्रयास पुनर्जागरण काल के हमारे दार्शनिकों ने किया है, को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, मनुष्य के संबंध में एक समन्वित दृष्टि, एक इंटीग्रल व्यू, एक समग्र दृष्टि, जिसको श्री अरविंद ने विशेष रूप से नामित किया है, लेकिन अन्य में भी है कि मनुष्य का स्वरूप क्या है, क्या वो केवल चित है, केवल स्पिरिट है, केवल आत्मा है, क्या शरीर कुछ नहीं है, क्या इंद्रियां कुछ नहीं है, क्या जगत में जो मनुष्य है, जो क्रिया करता है, वो कुछ नहीं है। तो इस संबंध में मनुष्य की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई, यहां प्रस्तावित की गई, वो ये कि मनुष्य एक समग्र सत्ता है, वो शरीर भी है, मन भी है, इंद्रिया भी है, लेकिन उसी के साथ साथ चित्त है या आत्मा भी है। इन सब का एक मेल मनुष्य की सत्ता में है, ये जरूर है कि उसकी जो आत्मसत्ता है, उसका जो चित्त स्वरूप है, जो उसकी आध्यात्मिकता का आधार है, वो इन सबसे ऊपर है। ये सब साधन के रूप में है, लेकिन है ये सब शरीर का होना, ये कोई मिथ्या नहीं है, संसार का होना ये कोई मिथ्या नहीं है। और एक नए प्रकार के मानववाद का उदय पुनर्जागरण काल के चिंतन में हुआ। प्रोफेसर महेश्वर की चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य की चर्चा तो हमारे यहां है, मानुष भाव की चर्चा कम हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस नए प्रकार के मानववाद की स्थापना हमारे इन चिंतकों ने की है, उसमें उसी मानुष भाव की चिंता की गई है, मनुष्य के रूप में मनुष्य की जो गरिमा है, उसका जो गौरव बोध है, वो कैसे प्रस्फुटित हो, कैसे उसका साक्षात्कार कर सकता है। ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर ने प्रेस वार्ता करके कहा कि ओबीसी के हित की रक्षा केवल सपा ही कर सकती है, इसलिए उनकी पार्टी सपा का समर्थन इस लोकसभा उपचुनाव में करेगी। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि ओबीसी आर्मी जो लगातार प्रदेश में लड़ रही है कि आबादी के अनुसार ओबीसी समाज को आरक्षण दिया जाए, और उसी सब परिप्रेक्ष्य में लेकर के हमने विभिन्न दलों के पास हम गए, जिसमें हमारा मंत्रिमंडल भाजपा से मिला, उनको लेटर लिखा, कांग्रेस से भी गया, उनका लेटर लिखा, समाजवादी पार्टी को भी लिखा, और उनका जो निषाद पार्टी को भी लिखा, उनको लेटर लिखा। अब उसमें से मात्र और सब दलों ने कोई जवाब नहीं दिया, और उन्होंने कहीं ना कहीं इनकार किया कि नहीं, हम पिछड़े समाज की बात नहीं करते। और एकमात्र समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद ने कहा कि हम आपके एजेंडे को, आपकी लड़ाई को अपने साथ लेके चलेंगे, और जो पिछड़े हैं उनको आबादी के अनुसार आरक्षण दिलाने में आपके संघर्ष के साथ हैं। आज ये प्रेस वार्ता इसी नाते हुई आयोजित हुई है कि उनको हम समर्थन करते हैं, इंजीनियर प्रवीण निषाद को, इस गोरखपुर उपचुनाव में। 24
19 फरवरी को 12:30 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में होली पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु महानगर शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत है। गुरुवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 67वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच गोरखपुर और बस्ती के बीच खेला गया। मेजबान टीम ने बस्ती को 6-1 के अंतर से फाइनल को जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। मेजबान टीम की तरफ से मोहम्मद अली 3, इब्रार खान 2 और नितेश ने 1 दागे। बस्ती की तरफ से एकमात्र गोल दीपक कुमार ने किया। प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि एडीजे दावा शेरपा द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बैच लगाकर किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी टीमों के मैनेजरों से मुलाकात किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर SP नॉर्थ गणेश साह, CO खजनी चारू निगम सहित प्रतियोगिता के संचालक गण मौजूद रहे। प्रतियोगिता का संचालन वरिष्ठ खिलाड़ी NP गौड़ और PTI नंदजी यादव के नेतृत्व में किया गया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा, फुटबॉल प्रतियोगिता जो 20 फरवरी से प्रारंभ आयोजन सचिव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर माननीय आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बस सर वही बता रहा था, खेल वही चार बजे ये दूसरा गोल जर्सी नंबर कप्तान साहब के आने का समय हो गया, आप लोग फॉरन लाइन अप हो गया। शत्रुघ्न यादव, मनोज कुमार, ब्रजेश यादव, शैलेंद्र यादव, रवि पांडे, अरुण यादव, साजिद खान, शिव कुमार श्रीवास्तव, सहायक निराय, फखरुद्दीन अली, सहायक निराय, बारी है गोरखपुर जनपद, सादिक परवेज, रघुवर मिश्रा, इब्राहिम खान, अनिल कुमार सिंह, धन्यवाद। इस प्रतियोगिता में कुल 11 टीमों को आना था, जो 2 टीमें किसी कारणों से नहीं आ पाई। मैदान के उत्तर तरफ बस्ती की टीम है, गोल करने वाले खिलाड़ी गोरखपुर बस्ती से कांबर पिक लेंगे। Final!
टीम सामने नितेश कुमार सिंह, अजय द्विवेदी, सुमित सिंह, कुलदीप यादव, ताली बजाते हैं पीछे खिलाड़ी, महेश कुशवाहा, शिवधनी यादव, रणजीत सिंह, पवन कुमार, यादव, सुबोध सिंह, ज्ञानेंदर जायसवाल, विक्रांत कुमार, आदि प्रतियोगिता के इस प्रतियोगिता के और सब पीछे हम इसे थोड़ा बढ़ जाएंगे यहाँ उपस्थित सभी नौ टीमों के खिलाड़ी साथियों, अभी अधिक उपस्थित अधिकारी पत्रकार बंधुओं, संसद गोरखपुर की टीम को अंतर जनपदीय गोलन प्रतियोगिता में विजय होने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जनपद दस्ती ने भी कोशिश अच्छी की है, फाइनल तक पहुंचे हैं। जीतना हारना खेल का एक दूसरा रूप है, बस कोशिश जारी रहनी चाहिए, खेल में भाग लेना और उसमें अपना सर्वोत्तम बेस्ट देना एक खिलाड़ी का एक कर्तव्य है। पुलिस विभाग में तो खेलकूद का महत्व वैसे भी बहुत अधिक है, क्योंकि शारीरिक रूप से तंदुरुस्त दुरुस्त रहना हमारी आवश्यकता है। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं कि आगे जाकर सबके सब मोहम्मद अली की जगह आए, नेशनल तक खेलने का मौका मिले। अगर आप प्रयास जारी रखेंगे तो यह अवश्य आप हासिल कर पाएंगे। आयोजन में तरह तरह के कंपोनेंट की आवश्यकता वहाँ पता है। हमारे एसएसपी साहब ने इस आयोजन को बहुत ही कुशल ढंग से व्यवस्थित ढंग से संपन्न किया, वो धन्यवाद के और धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही इस प्रतियोगिता से जुड़े सभी हमारे साथी कर्मचारी, रेफरीज, एम्पायर जो इस खेल में हमारे सहयोग के लिए यहाँ आए हैं, उन्होंने अपना समय दिया, उन सभी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में प्रिंट और प्रेस के द्वारा भी इस आयोजन का काफी प्रचार प्रसार किया गया है, उनका भी धन्यवाद। पुनः आप सभी को धन्यवाद और बधाई और शुभकामना देते हुए भविष्य में और बेहतर करने की उम्मीद रखते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। गुरुवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर गोरखपुर क्रिकेट लीग का एक मैच संत कबीर नगर और बस्ती के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए संत कबीर नगर ने 30 ओवरों में 164 रन बनाए। बस्ती की तरफ से विशाल ने सर्वाधिक 4 विकेट लिया। 165 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी
बस्ती की टीम ने ऋषभ के नाबाद 63 रन और आयुष के 52 रनों की बदौलत ये मैच 23वें ओवर में ही 7 विकेटों से जीत लिया। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने गोरखपुर पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कहा जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 100% मतदान के लिए आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता अभियान, डीएम ने दिलाई शपथ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा मतदान सभी का है अधिकार। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। कुलपति के हस्तक्षेप के बाद थमा छात्र और चीफ प्रॉक्टर के बीच विवाद का मामला। सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामभुआल और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने की प्रेस वार्ता। संजय ने कहा माँ और बेटे के आमने सामने चुनाव लड़ना पार्टी की है गोपनीय रणनीति। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में 24 फरवरी से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा शुभारंभ। अब ऑनलाइन होंगे छात्र छात्राओं के अंग पत्र और डिग्रियां। गोरखपुर विश्वविद्यालय और CDLS वेंचर्स लिमिटेड के बीच हुई समझौता, सहमति पत्र पर किया गया हस्ताक्षर। मारवाड़ बिजनेस कॉलेज द्वारा व्यक्तित्व विकास विषयक 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्काउट एवं गाइडों के चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया भारत स्काउट और गाइड के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल का जन्मदिन। चेतना तिराहे पर हुई वाहनों की सघन चेकिंग, कई के काटे गए चालान। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित प्रसिद्ध नारायण स्मृति व्याख्यान का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने आधुनिक भारतीय दार्शनिक विमर्श, अध्यात्म एवं स्वतंत्रता की अवधारणा विषय पर किया मंथन। OBC आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर ने किया सपा का समर्थन। होली पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए महानगर शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक DM की अध्यक्षता में 24 को। गोरखपुर बना 67वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप का चैंपियन। और गोरखपुर जिला क्रिकेट लीग में बस्ती की 7 विकेटों से धमाकेदार जीत। आज तक के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज। नमस्कार।